अलैकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, हमारी 17.2 चल रही है, आपको बताया क्लास 10, और इसके अंदर एक टॉपिक है रैशनल और इरेशनल नंबर। काफ़ी स्टूडेंट ने बोला सर इसको थोड़ा डिटेल से बनाए, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दी। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसका सिंबल भी हमने देखा था, इसका सिंबल क्या क्यू है, उसका सिंबल क्यू डैश था, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो अपनी बुक खोल के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या होते हैं पहले तो यहाँ से देखो, फ्रैक्शन ऑफ कोर्स इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इनको फ्रैक्शन में कहते हैं। ये फ्रैक्शन बाहर कहलाती है, और डेनोमिनेटर कहलाता है, न्यूमिनेटर कहलाता है, फ्रैक्शन होते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, उससे भी निकलेगा रैशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होते हैं। फ्रैक्शन के दो काइंड्स को देखना होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले टर्मिनेटिंग को समझ लें, मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल लेते हैं 5/10 की। देखिए ये फ्रैक्शन लिखा मैंने, इसको कैंसिल करवाया, 5 1 5 5 2 10, क्या बचा 1/2। ये जो 1/2 बचा ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रैशनल है कि नहीं, जो चेक करते हैं। मैंने क्या करा, 2 को यहाँ रखा, 1 को अंदर, ठीक है। मैं चले इसको कर देता हूँ दोबारा से, जैसे आपको डिवाइड तो आता होगा, वरना कैलकुलेटर आप उठाएं, कैलकुलेटर में 1 प्रेस करें, डिवाइड का प्रेस करें सिंबल, और फिर 2 को करें, तो आपके पास एक आंसर 0.5 आ जाएगा। मैं करके भी यहाँ दिखा देता हूँ, 2 बाहर, 1 यहाँ पे, और एक मैंने 0 लगा के एक 0 ले लिया, तो 2 5 ज़ा ये हो गया 10, क्रॉस हो गया। तो क्या बचा 0.5। ये जो हमारा 0.5 बचा है, तो ये हमारा थोड़ा इसको 0.5 हमारा बचा है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। जब पूरी वैल्यू क्रॉस हो जाए ना, तो हमारा टर्मिनेटिंग कहलाती है, टर्मिनेट हो गया, मामला खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग अगर हो गया तो वो चीज़ क्या होती है, रैशनल होती है, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त मैंने आपको बात समझाती है कि जब पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाए ना इस तरह से, तो हमारी कहलाती है टर्मिनेटिंग हो गई। तो क्लास 10 की मैथ में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो हमारी कहलाती है रैशनल कहलाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6/15 को देखें, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2/5 बचा, 5 को अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर में करें, 2 को लिखें, डिवाइड का निशान दबाएं, 5 दबाएं, तो आपके एक वैल्यू 0.4 आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, 5 बाहर और 2 अंदर, तो 0 लेके एक 0 ले लिया, 20 बन गया, 5 4 20, कैंसिल हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया। देखें तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है ना, ये जो मैंने कैंसिल हो जाए, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाती है, और टर्मिनेटिंग का ताल्लुक किससे होता है, रैशनल से। तो इसका मतलब ये 0.4, ये 0.5 अगर आपको नजर आए तो आप समझ जाएगा ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। इस तरह से आपको 5/10 दिख रहा है, ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। 6/15 क्या हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मैं अगर आपको और थोड़ी सी वैल्यू की बात करूं, अगर मैं सीधा सीधा वो आपको दे दे, जैसे 10 लिख कर दे दे, ये भी क्या कहलाएगा, मतलब रैशनल नंबर कहलाएगा। 22 आ जाए वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा, 19 आ जाए रैशनल नंबर, 17 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए वो तमाम रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन सबके नीचे कुछ नहीं, तो क्या होता है, आपको मैथ में पता होगा 1 होता है, और 1 से अगर ये डिवाइड होंगे तो बासानी डिवाइड हो जाएंगे। अगर 10/1 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 का आ जाएगा अंदर, 1 इधर, तो 1 10 ज़ा ये होगा 10, तो पूरा कैंसिल हो गया, नहीं होगा। जो चीज़ पूरी कैंसिल हो गई वो क्या, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का ताल्लुक इससे होगा, रैशनल नंबर से होगा। तो ये आपने डिटेल देख ली कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, और समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को पहले समझें, इसकी दो काइंड ले लेते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। देखिए इसको समझते हैं, रिकरिंग है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ आपका 1/3 ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 3 को पहले लिखिएगा, 1 को पहले लिखिएगा, फिर 3 को बाद में। बहरहाल ये आ गया हमारा 3 यहाँ पे, और ये आ गया 1, मैंने 0 लगा के पॉइंट लेके इसको 10 करा, 3 3 ज़ा 9, गौर कीजिएगा, 3 3 ज़ा 9 हुआ, 10 में से 9 का कितने बचे, 1 बचे। देखिए इस दफ़ा पूरा कैंसिल नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है पॉइंट के बाद 3 दफ़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोबारा से 3 ले लूँगा। अच्छा, ये पॉइंट 0 लगाने के बाद ये 0 लगा लूँगा मैं, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से मेरे पास 3 बार 0 लगा सकता हूँ, तो 0 ले लूँगा, फिर 3 से करवाया, ये 9 हो गया, फिर दोबारा 1 बचेगा, फिर मेरा ये 0 लगा लूँगा, फिर 3 से करूँगा, फिर ये 9 आएगा, फिर ये चीज़ क्या हो रही है, रिकरिंग हो रही है, बार बार हो रही है। देखिए पॉइंट के बाद तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। जब पॉइंट के बाद तीनों वैल्यू सेम आई, वो क्या कहलाती हैं, रिकरिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा ये रिकरिंग वैल्यू हमारी, अगेन बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर ही कहलाती है, इरेशनल नंबर नहीं होती। एक मिसाल और मैं आपको दे देता हूँ, चलें एक ले लेता हूँ मैं, 3/9 ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड कराता हूँ अगर 3/9 को, तो 9 मेरे अंदर आ गया और 3 ये आ गया, 0 लगा के मैंने क्या लिख दिया, 30 आ गया, 9 3 ज़ा 27 हो गए, और 30 में से 27 जाएंगे तो हमारा 3 बजा, पॉइंट लगा हुआ, फिर एक 0 आ गया, 9 3 ज़ा फिर 27 हो गया, और फिर मैं इसको माइनस करूँगा, 3 आएगा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 ले लिया, 9 3 ज़ा 27 हो गया, और क्या बचा, 1। ये चीज़ बार बार चली, तो इसको क्या रिकरिंग लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन में, यानी कि 3/9 भी मेरा क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये रिकरिंग है, मतलब एक चीज़ रिपीट हो रही है, इनकी वैल्यूज एंड में पॉइंट के बाद क्या होती हैं, सेम होती हैं। जरूरी नहीं 3 3 हो,
444 भी हो सकता है, 0.555 भी हो सकता है, 0.999 भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो रिकरिंग वैल्यू जो होती है वो हमारी रैशनल नंबर होती है, याद रख लीजिएगा, इरेशनल नहीं होती है। अब आते हैं इरेशनल कौन सी होती हैं अलग है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में अब नॉन रिकरिंग को समझते हैं। देखें, एक पाई, एक वैल्यू होती है पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपके डाल दिया फिलहाल। अच्छा, फिर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो 7 इनको डिवाइड करें तो आपको एक वैल्यू पता लग जाएगी। बहरहाल करके देख लें, मैं मैनुअल भी कर देता हूँ। 7 नीचे वाली वैल्यू बाहर आती है और ऊपर वाली वैल्यू अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, 7 के डिवाइड 22 3 से जाता है, 7 3 ये 21 हो गए, कितने बच गए, 1। अब 1 आ गया तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा ताकि ये 10 हो जाए, तो 7 1 ये हो गया 7, 10 में से 7 गए तो 3 हो गए, पॉइंट पहले से लगे, अब नहीं लूंगा तो 30 हो गया, 7 3 7 4 28, तो 28 हो गया, फिर कितने बज गए, 2 बज गए, पॉइंट लगा हुआ, फिर 27 3 7 2 ये मेरे 14 हो गए, फिर कितने बज गए, 6 बज गए, ये चीज़ चलती रहेगी बार। अब देखें जरा पॉइंट के बाद क्या ये वैल्यू सेम है, जैसे पिछली 333 आ रही थी पॉइंट के बाद, पिछली वाली 0.444 आ रही थी, ऐसी नहीं है ना। पॉइंट के बाद जब वैल्यू डिफरेंट हो एक दूसरे से तो वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन रिकरिंग कहलाती है। और जो नॉन रिकरिंग वैल्यूज होती है ना वो हमारी क्या होती है, वो तमाम ये हमारी इस तरह के इरेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक है, जो मुसलसल चलती रहे कंटिन्यूसली, ठीक है ना। एक वैल्यू अगर मैं आपको देता हूँ, कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, अंडर रूट 2 के वैल्यू आप निकाल के देखें तो अंडर रूट 2 के वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आप चेक कर लीजिएगा, 1.4142 वगैरह इस तरह से आ रही है। देखिए पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, सारी तमाम चेंज आ रही है ना। जब चेंज आ गई तो इसको मैं देख के मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं बोलूंगा पॉइंट के बाद तमाम वैल्यू चेंज एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ 1.3 1 पॉइंट, चले मैं कुछ और ले लेता हूँ, 9.9999 आ रहा है, तो आप बताइए कौन सी होगी, देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, ये बोलेंगे आप रैशनल नंबर हो गई, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज आपको अंदाजा हो गई होगा रैशनल क्या होती हैं और इरेशनल क्या होती हैं। एक मैं आपसे एग्जाम ले लेता हूँ, आप जिसको चेक कीजिएगा, तो देखते हैं जरा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 20/10 लिखा मैंने, बताइए रैशनल या इरेशनल है। तो आपने बोला सर 10 1 10 और 10 2 20 हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, ये 2 आ रही है, यानी कि मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो गई, नहीं हो गई, तो कोई पॉइंट में नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। एक वैल्यू और ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6/9 ले लिए, तो 3 2 6 3 3 9 हो गया, तो 2/ क्या बचा, 3। अब मैं 2/3 को अगर डिवाइड करवाएं आप लोग कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.6666 इस तरह चल रही होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, तीसरी अगर मैं कोई आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, ई एक एक्सपोनेंट कहलाता है, आपको पता होगा इसकी वैल्यू, कैलकुलेटर में आप लिखें ई, आपका बटन होगा दबा के देखें तो एक वैल्यू मिलेगी 2.1784 और .. बहरहाल ये अगर आपको नहीं भी पता तो परेशान ना हो, मैं आप कोई भी ये वैल्यू एज्यूम कर लें, 2 पॉइंट के बाद कुछ भी चेंज कर लें, बताएं आप अंदाजा लगा लें कि रैशनल लिखेंगे इरेशनल लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा सर ये इरेशनल है, और इसकी मैं वजह पूछूंगा इरेशनल की, तो आप यही बोलेंगे कि सर ये पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज क्या डिफरेंट है, ये फोकस करें डिफरेंट है ना, मगर यहाँ देखें सब सेम है, सेम होंगी तो रैशनल है, डिफरेंट होंगी तो इरेशनल नंबर होगी। बहरहाल ये मैंने आपको रैशनल इरेशनल जो बच्चों ने कहा था कि सर करवा दें, मैंने करवा दिया, इसको थोड़ा फोकस करिएगा, एमसीक्यूज भी इससे बहुत बनेंगे। तो 17 पॉइंट जो हमारी 2 चल रही है स्टूडेंट, उसके मैंने क्वेश्चन 1 के पांचों कंप्लीट करवा दिए हैं, और इसके अंदर रैशनल इरेशनल भी मैंने आपको समझा दिया, और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना दी थी उसकी जनाब